नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक जाति प्रमाण पत्र का फॉरम है और ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का फॉरम है, यानी कि हमारी SC ST का फॉरम है। तो ये दो पेजेस का फॉरम है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने फॉरम को किस प्रकार से भर सकते हैं, किस प्रकार से अगर आपको भी अपनी जाति प्रमाण पत्र आवेदन करना है तो ये फॉर्म आपको भरना होगा और क्या क्या चीजें कहां पर भरनी है, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो के ऊपर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आप भी इस फॉर्म को सही तरीके से भरकर जल्द से जल्द अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो आवेदक की फोटो आपको यहाँ पर लगानी है, यानी कि जिसका जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको आवेदन करना है, जिसका आपको बनवाना है, उस पे यहाँ पर उसकी फोटो यहाँ पर लगेगी। और यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर एक ID हमारी चलती है जो कि हमारी जन आधार कार्ड के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड संख्या है, यानी कि जिस भी कैंडिडेट की आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, जिस भी स्टूडेंट का आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या जिस भी व्यक्ति का आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, उसका यहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रार्थी का नाम, यानी कि स्टूडेंट का नाम या फिर आपको किसी भी कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, उस कैंडिडेट का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है जो कि उसके आधार कार्ड के अंदर रहता है। आवेदक का पिता का नाम, यहाँ पर आपको अगर आपका बॉयज है या फिर मेल है तो यहाँ पर मेल के पिता का नाम, और अगर यहाँ पर कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने वाला फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल का पिता का नाम आएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारे पिता का नाम ही यहाँ पर लिखा जाएगा, चाहे वो मेल व्यक्ति हो चाहे वो फीमेल व्यक्ति हो, उसके पति का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। कई बार लोग क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पर अगर कोई महिला शादीशुदा होती है तो उसके पति का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ पर चाहे वो शादीशुदा महिला हो, चाहे वो कुंवारी महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, यहाँ पर उसके पिता का नाम ही आएगा, पति का नाम आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर आवेदक की माता का नाम आपको लिखना है। और देखिए, फोर्थ नंबर पॉइंट हमारी, माता पिता का नाम ज्ञात न होने की स्थिति में संरक्षक का नाम, यानी कि अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम लिख सकते हो, या फिर अगर आपके माता पिता की किसी कारणवश डेथ हो गई है या आपके ये मान लीजिए कोई है नहीं माता पिता, तो यहाँ पर आप उस अपने यहाँ पर रिलेशन वाले का नाम लिख सकते हो, रिलेटिव का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर देखिए, पांचवें नंबर का पॉइंट हमारे निवास स्थान का पूर्ण पता, यानी कि जहां पर आप रह रहे हैं वहां का आपको पूरा पता बताना है, यहां पर लिख देना है, हिंदी में इंग्लिश में जैसे आप चाहें वो भर सकते हैं, जहां पर आप वर्तमान समय में रह रहे हैं। तो यहां पर इसके दो भाग हैं, क में आपको वर्तमान पता लिखना है, खै में स्थायी पता, यानी कि जहां पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर आपके माता पिता रहते हैं, वो स्थायी पता आपको यहाँ पर लिखना है। क्योंकि देखिए जाति प्रमाण पत्र है, पिता की आईडी से ही बनता है, तो यहाँ पर सभी को अपना स्थायी पता ही लिखना है जहां पर उनके माता पिता निवास करते हैं। फिर देखिए, छह नंबर पॉइंट है, गांव या शहर, आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना तहसील लिख देना है, यहाँ पर अपना जिला लिख देना है, और यहाँ पर अपना राज्य, कौन से राज्य में आप रह रहे हैं, तो राजस्थान के लिए तो यहाँ पर राज्य तो राजस्थान ही आने वाला है। और देखिए, सातवां नंबर का पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या आप या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं। तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो इसमें आपको हाँ पर ही टिक करना है, यानी कि आपको हाँ पर ही टिक कर देना है। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो ना पे आपको टिक करना है, और उसके बाद में ये आपको जिला भरना है, तहसील भरनी है, पता बताना है आपको कहाँ के जिले के रहने वाले हैं, वो जानकारी आपको भरनी है। तो यहाँ पर अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पे ही टिक करना है। अब देखिए, आठवें नंबर का पॉइंट है, जन्म दिनांक, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी लिखनी है आधार कार्ड से या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से आपको लिख देनी है। जन्म का स्थान, आपका जन्म कहाँ हुआ है वो जगह का आपको लिख देना है। उम्र, आज वर्तमान समय में आपकी कितनी उम्र हो गई है, 40 हो गई है, 10 हो गई है, 15 हो गई है, जितनी भी है आप कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जेंडर लिखना है, लिंग, पुरुष है या महिला है, पुरुष है तो पुरुष के ऊपर टिक कर देना, महिला है तो महिला के ऊपर टिक कर देना है। फिर देखिए, वैवाहिक स्थिति, यानी कि अगर आप विवाहिता हैं तो विवाहित के ऊपर क्लिक कर दीजिए, अविवाहित है तो अविवाहित के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर आता है दसवें नंबर पे, धर्म,
यानी कि रिलीजन, आपका क्या धर्म है, तो यहाँ पर अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिए, सिख है तो सिख लिखिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखिए। यहाँ पर फिर जाति, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जिस भी जाति के अंदर आप आते हैं उसको आपको टिक कर देना है। और यहाँ पर आपकी उपजाति, आपकी उपजाति जो भी हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यानी कि एससी एसटी आपको ये तो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपकी उपजाति क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में धर्म, ये पिता का धर्म, ये खुद का था, ये पिता का, आपका पिता किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हिंदू जो भी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ये आपको लिख देना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर उनकी उपजाति, किस जाति का आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो जाति आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर 12वें नंबर का पॉइंट है, प्रार्थी ने शिक्षा व्यवसाय आदि में किस धर्म का आंकलन कर रखा है, तो यहाँ पर आपको अपने जाति का भी लिख देना। यानी कि अगर आपने एजुकेटेड हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी मार्कशीट है, उसमें किस जाति का आपका बखान किया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर 13 नंबर का पॉइंट है, मोबाइल नंबर, आपको अपना यहाँ पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर लिख देना है, जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित SMS द्वारा सूचना चाहता है, यानी कि जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आवेदक का सिग्नेचर, यानी कि जिसके आप आवेदन कर रहे हो, जिसका जाति प्रमाण पत्र बना रहे हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, छोटा बच्चा हो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर वो लिखने में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवेदक के हस्ताक्षर होंगे यानी कि सिग्नेचर करने होंगे, और अगर आप आवेदक छोटा बच्चा है तो यहाँ पर उसके माता पिता कोई भी उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है, किस तारीख को आप ये जमा कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको स्थान लिख देना है। उसके बाद में देखिए, ये फर्स्ट पेज हमारा कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगा लेनी है और उस फोटोग्राफ को आपको अटेस्टेड करवा लेना है। उसके बाद में देखिए, हमारा ये सेकेंड पेजेस आता है, ये मैं इसको नीचे रख लेता हूँ। और इसमें देखिए, ये हमारे विटनेस के आएंगे, गवाह के, यानी कि कोई भी आपके दो सरकारी गवाह के आपको सिग्नेचर करने हैं, चाहे आप अस्पताल से कराइए, चाहे आप स्कूल से कराइए, ये जानकारी इसके अंदर सारी की सारी लिखी हुई है कि किससे आपको प्रमाणित कराना है। तो ये दो आपको गवाह से आपको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो एक फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या फिर अस्पताल में हैं, उनसे आपको ये सिग्नेचर कराने हैं। और यहाँ पर वो सारे के सारे सील और अपना सिग्नेचर यहाँ पर लगेंगे, उत्तरदायी व्यक्ति अपने यहाँ पर हस्ताक्षर और यहाँ पर अपनी मोहर लगाएंगे, ये आपको करना है। फिर देखिए, एक शपथ पत्र के लिए आता है, इसमें आपको भरना है, यहाँ पर जिसका जाति प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर निवासी वो कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर शहर आ जाएगा, यहाँ पर तहसील आ जाएगा, यहाँ पर जिला आ जाएगा। ये सब लिखने के बाद में यहाँ पर अपना जाति, यानी कि किस जाति का जाति प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर लिख देने, और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले का सिग्नेचर आ जाएगा। ये करने के बाद में यहाँ पर देखिए, एक पहले हमारे ये होती थी कि पटवारी की रिपोर्ट हमारी मांगी जाती थी जाति प्रमाण पत्र के अंदर, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि हमारी एससी एसटी के अंदर अभी ये जाति प्रमाण पत्र रिपोर्ट करवाना अनिवार्य नहीं है। अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करवाते हैं तो भी आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, तो यहाँ पर ये आपको कराना आवश्यक नहीं है। खासकर एससी और एसटी के जाति प्रमाण पत्र आवेदन के समय में, अगर आप ओबीसी का करवाते हो और अगर आपके पास कोई भी, मान लीजिए भूमि नहीं है, कोई भी जमीन नहीं है, तो आपको ये पटवारी रिपोर्ट कराना जरूरी रहेगा, तभी आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, अन्यथा आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो ये आपको यहाँ पर कर देना है और ये आपका फाइल कंप्लीट हो गया। और ये सारी की सारी चीजें लेकर आपको अपने किसी भी निकटतम ई मित्र पे ले जाना है, और इसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट जो लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका पुराना जाति का लगेगा, चाहे आपके पिता का हो, चाहे आपका भाई का हो, चाहे आपके सिस्टर का हो, या फिर आपका खुद का हो, कोई भी पुराना, वो आपको ले जाना होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड लगेगा, माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड की कॉपी लगेगी, माता पिता का आपको ये पहचान पत्र, जिसको वोटर आईडी, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड हम बोलते हैं, वो आपका लगेगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, और एक आपकी अपनी जन आधार कार्ड की कॉपी आपको ले जानी है।
ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आप भी अपने जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डिजिटल तरीके से आप बनवा सकते हो और वो 4 से 5 दिन के अंदर आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी आपको ये जानकारी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ और भी बेहतर वीडियो के साथ। तो आपके लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।